शुरुआत करेंगे शिमला नगर निगम से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस ने जारी किया है पार्टी का घोषणा पत्र। शिमला नगर निगम के लिए कांग्रेस के वादे, कांग्रेस शिमला की जरूरतों को समझती है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सरकार के कार्यकाल में शिमला का विकास करेंगे, तो मुख्यमंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है सुखविंदर सिंह ठाकुर ने। तो शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कांग्रेस ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है नगर निगम के चुनावों को लेकर। शिमला नगर निगम के लिए ये कांग्रेस का वादा है और कांग्रेस का वादा के नाम से ये जारी किया गया है। और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम तमाम जो वादे हमने दिए हैं, तमाम जो गारंटियां हमने दी हैं, उनको हम पूरा करेंगे। तो कांग्रेस ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है, इस वक्त की बड़ी खबर है। शिमला नगर निगम के लिए कांग्रेस का वादा जारी हो चुका है। साथ ही कहा कि कांग्रेस शिमला की जरूरतों को समझती है और उनको पूरा भी करेगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सुखविंदर सिंह ठाकुर को देख भी रहे हैं आप, घोषणा पत्र हाथ में लिए, आज जारी किया गया ये घोषणा पत्र। तो शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने भी। तो देखिए, हाल ही में बीजेपी ने भी अपना दृष्टि पत्र जारी किया था, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस का वादा जारी कर दिया है, मैनिफेस्टो जारी कर दिया है शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां दम भर रही हैं, तैयारियां कर रही हैं। इस क्रम में बारी अब मैनिफेस्टो की है। नगर निगम की समस्याओं से हम सब अच्छी तरह अवगत है, कहाँ सब्जी मंडी बननी है, कहाँ पार्किंग बननी है। आप शिमला का हाल देखिए, जो शिमला को अच्छी तरह जानते हैं, स्मार्ट सिटी के पैसे का वेस्ट कर दिया गया। स्मार्ट सिटी का जितना पैसा है उसको वेस्ट किया गया है, ये आपका पैसा है। इस पैसे के माध्यम से कल लोहे के बड़े बड़े रास्ते बना दिए गए, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन ऊपर चढ़ेगा, उतनी चढ़ाई चढ़ के कौन नीचे आएगा। कितना करोड़ रुपया खर्च किया गया, अगर इसको ढंग से किया जाता तो शिमला सिटी की सर्कुलर रोड को हमको पहले चौड़ा करना चाहिए था। बाकी जो कार्य हमने इस घोषणा पत्र में लिखे शिमला नगर निगम की, हमारी सरकार की कमिटमेंट है और हमने करके दिखाई है, और आने वाले समय में जो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है उसको, जो जब तक हमारी 4.5 साल की सरकार है उसमें हम इसको पूर्ण करेंगे। भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया है, पर उसमें सारी वो बातें हैं जो वो उन अपने कार्यकाल में कर सकते थे, पर उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया। अब उसमें लोगों को लुभाने की बातें की जा रही है। अब हमने जो मैनिफेस्टो लाया है, हमने ये ध्यान में रखा है कि लोगों की क्या क्या समस्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे हमने उनको सॉल्व करनी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। इसी खबर पर और अधिक जानकारी हम लेंगे ब्यूरो चीफ अरुण उल्याल से। अरुण जी, देखिए जिस तरीके से लगातार आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, उसी क्रम में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। इस मैनिफेस्टो में कौन कौन से वादे हैं? देखिए साक्षी, आज कांग्रेस ने अपने सरकार और संगठन के बड़े चेहरों के साथ अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, लेकिन सबसे बड़े खबर के रूप में अगर आप देख सकते हैं तो आम चुनाव जो कांग्रेस ने अपने गारंटी के वायदों के साथ जीते थे, जिसको नाम दिया था गारंटी, शिमला नगर निगम चुनावों में कांग्रेस इसी गारंटी शब्द से परहेज करती नजर आई है। और आप बिल्कुल मानकर चलिए, क्योंकि भाजपा ने भी जब अपना दृष्टि पत्र जारी किया था तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि ये गारंटी नहीं, हम आने वाले विजन को लेकर जो है भाजपा सामने आई है, जनता से इस विजन के ऊपर जो है काम करने के बाद शिमला की सूरत संवारेगी। तो आप मान सकती हैं हिमाचल प्रदेश के चुनावों में जो गारंटी शब्द एक सबसे ज्यादा बड़ा बनकर उभरा था उसको अब बाय बाय कर दी गई है। ना कांग्रेस इस गारंटी शब्द का इस्तेमाल करना चाहती है, ना भाजपा इस शब्द का इस्तेमाल करना चाहती है। और ये शिमला नगर निगम का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें वायदों की बात की जा रही है और इन वायदों को पूरा करने की बात की जा रही है। लेकिन बड़ी बातें जो खुद आज मुख्यमंत्री ने कही, सबसे बड़ी चीज है हिमाचल प्रदेश की इस राजधानी में भवन मालिकों की दुखती रग को राहत देने की कोशिश। ये वो भवन मालिक हैं जो नियमित अपने भवनों की कराने की बड़ी मांग करते हैं, और खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज इसका जिक्र करते हुए कहा
कि 60,000 के करीब शिमला शहर, शिमला के आसपास बचे हुए बाकी जो नगर हैं, उनके 60,000 परिवारों को राहत मिलेगी। एक फैसला किया गया है जिसमें एटीक को अब भवन की तरह, ये जो मंजिलें यहाँ पर बनाई जाती थी उसी तरह से इस्तेमाल अब हिमाचल प्रदेश के शिमला राजधानी के भवन मालिक कर सकेंगे। तो एक बड़ा पैंतरा, एक बड़ी बात अगर कुछ की जा सकती है शिमला नगर निगम में, तो ये सबसे बड़ा वायदा जो है कांग्रेस को भुनाने की कोशिश करती जरूर नजर आई है। दूसरी सबसे बड़ी बात रही है शिमला नगर के अंदर पानी की समस्या को लेकर। देखिए, 3 दशकों के अंदर कई सरकारें बदली, ये लगभग 6 सरकारों का कार्यकाल एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का रहा, लेकिन शिमला शहर की प्यास नहीं बुझी। और पर्यटक जब आ जाते हैं तो पानी की बूंद बूंद के लिए यह शहर तरसता है। इसी को लेकर सबसे बड़ा दूसरा सवाल ये था कि जब ये पानी की कमी होती थी तो पीलिया का एक बीमारी का खतरा इस शहर पर बस जाया करता था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया कि ये जो पीलिया का डर है, ये जो पानी की कमी ये शहर लगातार कई वर्षों से खेल रहा है, उसे कांग्रेस की ये सरकार पूरा करेगी। और तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही है शिमला शहर के डी कंजेशन को लेकर, यानी शिमला का जीवन थम जाता है जब पर्यटकों का सैलाब होता है। उन्होंने कहा कि और यही तमाम जो चीजें हैं अरुण जी, वो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल की और उनको उम्मीद है कि जनता इन वादों को देकर उनको मौका दे सकती है। बहुत धन्यवाद आपका विस्तार से हमको बताने के लिए इस खबर के बारे में।